जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों सामने है ऑल न्यू फेसलिफ्ट निसान मैग्नाइट। भाई निसान मैग्नाइट का सेकंड टॉप वेरिएंट है। यहाँ पर टेक्ना वेरिएंट की बात कर रहे हैं हम। सामने टेक्ना वेरिएंट है। क्या कुछ मिलता है इस टेक्ना वेरिएंट के बारे में, क्या कुछ मिलता है नई निसान के बारे में, सब कुछ देखेंगे। अंदर क्या मिलेगा, बाहर क्या मिलेगा, क्या इसके इंजन स्पेसिफिकेशन है, क्या माइलेज है, क्या बूट स्पेस है, सब कुछ एवरीथिंग आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब एक काम करते हैं, बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। देखो चाबी की अगर बात करें तो चाबी आपको कुछ इस तरह की मिलने वाली है। भाई देखो ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, लेकिन देखो यहां पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, और यहां से आप गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हो। बीच में यहां पर निशान की ऊपर की तरफ जो है बैजिंग मिल जाती है। इस तरह की दो रिमोट की मिलती है, और दोनों ही शानदार आपको लुकिंग में बहुत अच्छी लग रही है। भाई साहब गाड़ी फेसलिफ्ट आई, लेकिन चाबी भी फेसलिफ्ट की आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइसिंग की। तो टेक्ना वेरिएंट का जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में है, 8,75,000 रुपये एक्सोरूम की कीमत है। इंजन की बात करें मैनुअल वेरिएंट की, तो इसके अंदर आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, 72 BHP की पावर, 96 Nm का टॉर्क मिलता है, 19 km/L का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। अब देखो फ्रंट से क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रंट लुक तो आपको दिख ही रहे होंगे, यहाँ पर आपको हेजार्ड जलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। भाई साहब बहुत शानदार शेप में है, यहाँ पर LED हेजार्ड मिल जाते हैं। यहाँ पर ये देखो प्रोजेक्टर LED का सेटअप मिल जाता है। यहाँ नीचे आपको कुछ इस तरीके से DRL मिल जाते हैं। फॉग लाइट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, प्रोजेक्टर फॉग लैंप यहाँ पर देखो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में, सामने की ग्रिल निशान का लोगो, यहाँ पर क्रोम की बैजिंग वगैरह मतलब प्लेटिंग वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ये है जी कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट लुक, बहुत शानदार और औसम लग रहा है दोस्तों, एक नंबर लग रहा है दोस्तों। अब एक काम करते हैं साइड में आ जाएं, तो यहाँ पर 195/60R16 का डायमंड कट अलॉय व्हील देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रियर की बात करें तो वहाँ ड्रम ब्रेक मिलते हैं। यहाँ पर सीएट का सिक्योर ड्राइव टायर देखने के लिए मिलता है। बीच में कैप जो है वो निशान का देखने के लिए मिलेगा। व्हील आर्चेस काफी चौड़े से मिलेंगे, यहाँ पर निशान मैग्नेट की बैजिंग मिल जाती है। ORVM की बात करूं तो यहाँ पर टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, और भाई 360 कैमरा मिलता है इस वेरिएंट में। देखो यहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ है, और अगर एक कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको निशान के जस्ट नीचे लगा मिलेगा कैमरा, सामने वाला तो दिखाई नहीं देता दोस्तों, मतलब ब्लैक के अंदर ब्लैक हो जाता है तो पता नहीं चलता है ज्यादा। उसके बाद देखो ए पिलर की बात करें तो बॉडी कलर में मिलता है, ब्लैक के अंदर बॉडी कलर में मिलता है। यहाँ पर बी पिलर की बात करें ब्लैक टिप डॉट मिलेगा। रूफ रेल जो है सिल्वर फिनिश के साथ, ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। यहाँ पर देखो क्रोम में डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, उस पर डोर लॉक सेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है। 40 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलेगा। और पीछे की तरफ आ जाएं तो देखो ये है जी कुछ इस तरीके की शानदार सी टेल लाइट, इसकी अल्टीमेट लग रही है, एक नंबर लग रही है। यहाँ पर ये LED सेटअप है, यहाँ पर रिवर्स लैम्प मिल जाती है, यहाँ पर इस तरीके से इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अब देखो पीछे देखें निशान मैग्नेट की बैजिंग दिखेगी। रियर वाइपर डिफॉगर हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है, यहाँ वॉशर मिल जाता है, रियर स्पॉयलर मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना मैंने दिखाई दिया था। सेफ्टी वाइज बात करूँ पीछे देखो 1, 2, 3, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेंगे, 2 रिफ्लेक्टर सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, और 1 रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। कहाँ मिलता है वो दिखा देता हूँ। तो देखो 1, 2, 3, 4 कैमरा यहाँ पर और रिफ्लेक्टर यहाँ पर, ये सिल्वर फिनिश मिल जाती है। उसके बाद नीचे की तरफ देख लो, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बात करें दोस्तों इसके बूट स्पेस की, तो इसे खोल के देख लेते हैं। सबसे पहले इसे यहाँ से इस तरीके से उठाना है, और ये देखो जी पार्सल ट्रे तो मिली जाती है, पीछे वाली सीट 60/40 में स्प्लिट हो जाती है। यहाँ पर बूट लाइट, यूटिलिटी हुक मिलता है, 1 यूटिलिटी हुक यहाँ मिलता है। स्पेयर व्हील की बात करूँ तो 14 इंच साइज का मिलता है, नीचे 16 इंच होता है, और यहाँ पर आपको 14 इंच मिलता है। इस तरीके का आपको जो है स्पेयर व्हील मिलता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ टेल गेट देखें, प्रॉपर फिनिश फिट एंड फिनिश मिलती है। यहाँ पर कैमरे का सेटअप इस तरीके से मिलता है। ये है कुछ इस तरीके का पूरा सेटअप, आगे का, अंदर का, ऊपर का, बाहर का, नीचे का। ठीक है, अब एक काम करते हैं बिना देरी किए गाड़ी के अंदर चलते हैं, और अंदर की तरफ चल के दिखाते हैं और क्या कुछ मिलता है। तो आ जाते हैं यहाँ पर, और डोर को करते हैं ओपन इस तरीके से, और शुरुआत करते हैं दोस्तों डोर ट्रिम के साथ में। जो लेदर फिनिशिंग मिलेगी ऑफ व्हाइट कलर की, साथ में ऑरेंज स्टिचिंग, यहाँ पर ये सब कुछ प्लास्टिक में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट, यहाँ एक स्पीकर देखने के लिए मिलता है, यहाँ मैग्नेट की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। देखो ये बहुत अच्छा लगता है ये पोर्शन दोस्तों। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM, यहाँ पर डोर हैंडल स्लिक सिल्वर फिनिश में। अंदर की तरफ देखें दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और यहाँ पर देखो यहाँ पर मिलती है आपको भाई सेकंड टॉप वेरिएंट में हाइब्रिड सीट। यहाँ पर ये देखो ये लेदर की फिनिशिंग मिल रही है, और यहाँ पर आपको ये कुशनिंग मिल रही है इस तरीके से। हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखो फ्यूल लेट ओपन करनी है, तीनों पैडल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको जो है क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा, और ये देखो यहाँ पर आपको हेडलाइट एडजस्टेबल। उसके बाद देखो यहाँ पर डिजाइन वगैरह देखें तो इस तरीके से लेदर फिनिशिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। अंदर की तरफ बैठते हैं और क्या कुछ मिलता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो इग्निशन ऑन कर देता हूं और यहां पर देखो जी कुछ ऐसा फुली डिजिटल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। यहां पर आपको टेम्परेचर गेज, यहां पर आपको फ्यूल गेज, यहां पर टैकोमीटर, यहां पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, ठीक है, यहां पर ओडोमीटर मिल जाता है और यहां पर ट्रिप वगैरह चेंज करने के लिए मिल जाता है। ट्रिप वगैरह आप यहां से भी चेंज कर सकते हो, ये देखो यहां पर ये दे रखा है, यहां से आप आ जाएंगे तो स्टीयरिंग पे सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं इस तरीके से। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील की बात करें, लेदर रैप्ड मिलता है, यहाँ पर ऑरेंज कलर की स्टिचिंग मिलती है, बीच में निशान का लोगो मिल जाता है, थ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, यहाँ पर आपको ग्लॉस ब्लैक का टच मिलता है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो चीज है वाइपर की कंट्रोल और यहाँ पर आपको हेडलाइट का ऑप्शन मिलता है। ये सेटअप पूरा आपको इस तरीके से मिलेगा, साथ में यहाँ पर ये लेदर स्टिचिंग वगैरह देख रहे हो। उसके बाद देखो यहाँ पर एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा, 8 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉइड ऑटो एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। यहाँ पर हेजार्ड बटन मिल जाता है, यहाँ पर आपको ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर ऑटो एसी का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। यहाँ पर ये स्पेस मिल जाता है, स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, नीचे की तरफ डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर एक 12V का पोर्ट और एक टाइप ए पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पार्किंग ब्रेक कुछ इस तरीके से मिलेगा और इसके ऊपर भी लेदर की स्टिचिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ 2 कप होल्डर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आर्मरेस्ट की बात करें तो यहाँ भी आपको लेदर रैप्ड आर्मरेस्ट मिलता है, साथ में स्टिचिंग जो है वो ऑरेंज कलर की आपको देखने के लिए मिलेगी। डिसेंट सा आपको ग्लोव बॉक्स देखने के लिए मिलता है, ठीक ठाक स्पेस है इसके अंदर। यहाँ पर ये डोर ट्रिम्स की बात करूँ तो इस तरीके की डोर ट्रिम्स मिल जाती हैं। अब सेफ्टी की बात करता हूँ, वही सेफ्टी वाइज बात करें तो 6 एयरबैग ABS EBD आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा देखें ऊपर की तरफ तो ये ग्रैब हैंडल इस तरीके से मिल जाता है। सनसेट के अंदर बड़ा सा वैनिटी मिरर मिल जाएगा। यहाँ पर बेजल लेस IRVM देखने के लिए मिलता है, ये लाइट कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर देखें तो टिकट होल्डर मिल जाता है इस सनसेट के अंदर। उसके बाद यहां पर देखो तो माइक के ऑप्शन मिल जाते हैं। ये है कुछ इस तरीके का पूरा फुली सेटअप। अब इसे ग्लोव बॉक्स को खोल के देखते हैं तो ये देखो जी लाइट वाइट इसके अंदर आपको पूरी देखने के लिए मिलेगी और काफी बड़ा सा ग्लोव बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, काफी बड़ा कंपार्टमेंट है दोस्तों। ये है फ्रंट कैबिन का पूरा फुली सेटअप, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, यहाँ पर कुछ रह गया, हाँ आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ दिखा दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये सेटअप है, अब एक काम करते हैं सेकंड रो में चलते हैं, सेकंड रो में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है तो पीछे की तरफ आते हैं और फिर बताते हैं। तो आ जाते हैं दोस्तों पीछे की तरफ और करते हैं डोर को ओपन। हाँ जी, यहाँ पर देखो डोर ट्रिम्स देख लो कुछ इस तरह की आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये पूरा लेदर है, यहाँ पर ये ब्लैक है, ये ऑफ वाइट कलर है, ये ब्लैक कलर है। यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन, ये स्लीक फिनिश मिल जाती है, बॉटल होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से जो है एक स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पर देखें दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60-40 का ऑप्शन मिल जाता है। सीट बेल्ट मिल जाती है आपको यहाँ पर, 3-पॉइंट सीट बेल्ट, और यहाँ पर आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। अभी आर्मरेस्ट भी दिखा देता हूँ कैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये सब कुछ फैब्रिक कुशनिंग देखने के लिए मिलेगी। हाइब्रिड सीट्स मिल रही हैं, ये व्हाइट कलर तो लेदर का है, ये बाकी ब्लैक जो है वो फैब्रिक कुशनिंग है। इसके अंदर देखो बात करते हैं आर्मरेस्ट की, तो आर्मरेस्ट आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 कप होल्डर और एक इस तरीके से ये फोन वोन रखने की जगह मिल जाती है। ये है कुछ इस तरीके का सेटअप, 3-पॉइंट सीट बेल्ट तो मिली गई। ऊपर पीछे की तरफ देख लो पार्सल ट्रे मिल जाती है। यहाँ पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए देखो एसी वेंट मिल जाते हैं, नीचे की तरफ एक टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरीके का ये डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है। ये है सेटअप इस तरीके का। अब एक काम करते हैं, आ जाते हैं यहाँ से निकल के बाहर की तरफ और अब बात करते हैं इसके इंजन के अंदर आपको कैसा सेटअप देखने के लिए मिलता है। बोनट को खोल लेते हैं, तो बोनट को खोलने के लिए जगह कहां पर है, जगह है यहां पर इस तरीके से। बोनट खोल लिया, हेजार्ड बटन ऑन कर देता हूं और आ जाता हूं इस तरफ। हाँ तो दोस्तों यहां पर देखो कुछ इस तरीके का आपको पूरा 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन का सेटअप मिल जाता है। ये कुछ यहाँ पर आप वॉशर फिल कर सकते हो, यहाँ पर बैटरी का प्लेसमेंट मिल जाता है। इंसुलेशन सीट आपको पूरी प्रॉपर तरीके से लगी हुई मिलेगी हर जगह, हीटिंग की कोई समस्या नहीं आने वाली। उसके बाद कूलेंट वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो, ये एक्स्ट्रा क्रम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रंट में। ये जो है जो बाहरी इम्पैक्ट होने वाला है या फ्रंट इम्पैक्ट होने वाला है उस पर पूरा कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आप इंसुलेशन सीट प्रॉपर तरीके से देख ही सकते हो। इसे कर देता हूँ मैं बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी निसान मैग्नाइट का फेसलिफ्ट वेरिएंट जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है फेसलिफ्ट। अब देखो वेरिएंट की बात करूँ, ये था भाई टेक्ना वेरिएंट, सेकंड टॉप वेरिएंट था। अंदर क्या मिला, बाहर क्या मिला, क्या क्या फीचर्स मिले, एक चीज रह गई थी दोस्तों, वो मैं अभी बता दूंगा आपको। वारंटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 3 साल की वारंटी या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको इस वेरियंट के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। अब आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, कोई सवाल हो आपका कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। वरना वीडियो पे पहली बार आए हो या चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।